नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 478 फ्रॉम योर पास पेपर्स रफ़ीउल्ला, और इसमें तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो वर्टिब्रीज से हैं। तो C1 वर्टिब्रे जो कि फर्स्ट वर्टिब्रे होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, इट हैज़ नो बॉडी नो स्पाइन, ठीक है। तो वर्टिब्रे विच हैज़ नो बॉडी नो स्पाइनस प्रोसेस इज दी C1 वर्टिब्रा। C2 वर्टिब्रा की करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें ऑडेंटॉइड प्रेसेस होता है, यानी कि इसकी बोन के पीछे जो होता है, वर्टिब्रीज के पीछे एक लॉन्ग स्पाइन होती है जिसको ऑडेंटॉइड प्रेसेस भी कहा जाता है। C7 वर्टिब्रे लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा आप देखें कि हमारे हार्ट के आसपास होती है तो ये हार्ट शेप होती हैं। लंबर वर्टिब्रा किडनी के आसपास होती है तो ये किडनी शेप्ड होती हैं, ये याद रखने के लिए है। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स जो होता है वो सिम्फिसिस होता है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में, यानी कि जो वर्टिब्रीज होती हैं इनके दरमियान में एक छोटा सा फोरामेन होता है, उसमें से नर्व्स गुजरती हैं, तो वो होती हैं स्पाइनल नर्व्स। फिर एक सिंड्रोम है जो कि आपसे CPSP बार बार पूछती है, दैट इज़ कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर अडल्ट की बात की जाए तो कोनस मेडुलरिस कब होता है, जब L1 का फ्रैक्चर होता है। अगर कोनस मेडुलरिस आपको याद हो तो जो सबसे एंडिंग पॉइंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, दैट इज़ कोनस मेडुलरिस। तो अडल्ट में L1 के फ्रैक्चर पे कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम होता है, जबकि बच्चों में, चिल्ड्रन में L3 के लेवल पे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम हो जाता है। ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़ अबाउट स्पाइनल आर्टरीज, ठीक है। स्पाइनल आर्टरीज स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करती हैं, और लंबर वर्टिब्रे अटैचमेंट देती हैं एक्सटेंसर मसल्स को, ठीक है। लंबर वर्टिब्रे बैक साइड पे होती हैं और हमारे बैक साइड पे ज़्यादातर एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं, हमारे डॉर्सन ऑफ बॉडी पे ज़्यादातर एक्सटेंसर्स मसल होते हैं, तो लंबर वर्टिब्रे गिव अटैचमेंट टू दी एक्सटेंसर मसल्स। C1 नो बॉडी नो स्पाइन, C2 ऑडेंटॉइड प्रोसेस, C7 लार्जेस्ट वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे हार्ट शेप, लंबर वर्टिब्रे किडनी शेप, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल फोरामेना स्पाइनल नर्व, ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल आर्टरी, कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम अडल्ट में L1, कॉनस मेडुलरिस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन L3, ठीक है, एंड एक्सटेंसर मसल्स आर अटैच टू लंबर वर्टिब्रे। तो ये तो वो BCQs थे जो कॉमन थे, अब वो डिस्कस करते हैं हम जो थोड़े अनकॉमन BCQs होते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर सी शेप वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड कनकेव होता है इनसाइड, ठीक है। बच्चे देखें ना आपको थोड़ा मुड़ के बैठते हैं सी शेप में, तो इनका सी शेप वर्टिब्रल कॉलम होता है। फर्स्ट कॉक्सीजियल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है L1 वर्टिब्रे के साथ, और फीमेल पेल्विस जो होती है वो थोड़ी सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है इन कंपेयर टू दी योर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो फीमेल पेल्विस टिल्टेड ऑन द वर्टिब्रल कॉलम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो थे वो सारे MCQs जो वर्टिब्रीज से थे, और ये रफ़ीउल्ला का क्वेश्चन नंबर 478 है। हम स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर MCQs।